हेलो, दोनों वेट करना, मैं ये फोन प्लग कर लूँ। हाँ ओके, ईयरफोन्स प्लग हो गए। आपके कुछ एक्सरसाइज रह गई थी और कुछ नहीं रहा था चैप्टर में, ठीक है? तो इसमें क्या फिल करना है आपको? एप्रोप्रिएट रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस फिल करने हैं पहले वाली एक्सरसाइज में, है ना? ठीक है, एप्रोप्रिएट रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डैश ऑफ द मैन रिसीव्ड एन अवार्ड, ठीक है? अब यहाँ पर लिखा है आयदर या नायदर। आयदर मतलब आयदर का यूज होता है इन पॉजिटिव केस। आयदर कब होता है? इन पॉजिटिव केस, जब बात पॉजिटिव हो रही है। नायदर का यूज होता है नेगेटिव केस में, जब बात ना की हो रही है। तो आपको क्या लगता है सेंटेंस क्या होगा? आयदर मतलब या तो उन लोगों में से किसी एक आदमी को तो रिसीव अवार्ड रिसीव हुआ, या फिर आप बोलोगे उनमें से किसी भी इंसान को अवार्ड रिसीव नहीं हुआ। नायदर ऑफ द मैन रिसीव्ड एन अवार्ड। तो क्या लगता है आपको, नायदर आना चाहिए या आयदर आना चाहिए? बताओ, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। हम पॉजिटिव केस लगाते हैं, यानी आप देखते हैं आइदर ऑफ द मैन रिसीव्ड अवार्ड, उनमें से किसी ना किसी एक आदमी को तो अवार्ड मिल ही गया था, ठीक है? रीता एंड सीता हैव नोन फॉर डैश फॉर मेनी ईयर्स। रीता एंड सीता हैव नोन ईच अदर या ईच वन, क्या आएगा? एक दूसरे को क्या बोलते हैं? रीता एंड सीता एक दूसरे को इंग्लिश में, एक दूसरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईच अदर। डैश ऑफ यू कैन कम अलोंग विद मी। डैश ऑफ यू कैन कम अलोंग विद मी। तुम में से कोई भी मेरे साथ आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इसका ये तो मीनिंग निकलेगा। तो इसके लिए क्या बोलेगा? तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं आ सकता, तुम में से कोई नहीं आ सकता मेरे साथ, या तुम में से कोई भी मेरे साथ आ सकता है। तो आइदर पॉजिटिव केस के लिए आइदर आएगा, ठीक है? डैश ऑफ माई क्लासमेट्स केप टू मीट मी वेन आई वॉज नॉट वेल, ठीक है? अब यहाँ पे क्या निकला है? कुछ कुछ वो कोई तो मेरी क्लास में मेरी कोई तो मेरी क्लास का मुझसे मिलने आया था, तो मैं ठीक नहीं थी, ये बोल लिखोगे आप यहाँ पे। ईच ऑफ माई क्लासमेट, हर एक क्लासमेट मुझसे मिलने आया जब मैं ठीक नहीं थी। यहाँ पे अच्छा क्या लग रहा है? ईच ऑफ माई क्लासमेट या फिर आइदर ऑफ माई क्लासमेट्स। ईच ऑफ माई क्लासमेट, ईच ऑफ माई क्लासमेट, ईच क्लासमेट होता है, ईच क्लासमेट होता है ना। ईच ऑफ माई क्लासमेट तो नहीं होगा। ईच ऑफ माई क्लासमेट, आइदर ऑफ माई क्लासमेट्स, आइदर ही लिखो आप यहाँ पे, है ना? आइदर ऑफ माई क्लासमेट्स केम टू मीट मी व्हेन आई वॉज नॉट वेल, ठीक